छह दिन पहले गायब हुआ भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और खुद को देश का चौकीदार बताने वाले पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव संसद में भाषण दे रहे हैं। ना मीडिया, ना सत्ता पक्ष, ना विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है। भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 3 जून को गायब हुआ है। लापता विमान ने जोरहट से अरुणाचल प्रदेश के जिले में मैनचुका के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के करीब 33 मिनट बाद विमान लापता हो गया, जिसमें 13 लोग सवार थे। लापता विमान की तलाश जारी है। भारतीय वायुसेना की ओर से युद्ध स्तर पर विमान को तलाशने का अभियान जारी है, लेकिन अभी तक विमान का कुछ पता नहीं चला है। इस बीच लापता विमान में सवार वायुसेना के 2 अधिकारी आशीष तंवर और मोहित गर्ग के परिजनों ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि तलाशी अभियान में तेजी लाई जाए और सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान और उसमें मौजूद लोगों का पता लगाने के लिए सभी संभावित संसाधनों का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं ऐसे में सवाल यह है कि भले ही रक्षा मंत्री विमान का जल्द पता लगाने का दावा कर रहे हों, लेकिन इतने दिनों के बाद भी क्यों विमान का सुराग नहीं लग पाया है। खुद को देश का चौकीदार बताने वाली मोदी सरकार आखिर विमान ढूंढने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? क्यों सरकार विमान में मौजूद अधिकारियों और उनके परिजनों का दर्द नहीं महसूस कर पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।